तो गाइज मैं तो बहुत खुश हूँ कि अरमान जी बाहर आ गए और आप लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे शायद, आप सब आज मिठाई बांटेंगे अपने अपने घर में। पर मैं इसलिए खुश हूँ कि इतनी हिट मिलने के बाद भी उस इंसान को उस घर में रहना ही नहीं चाहिए था। सही हुआ वो निकल गए हैं। और वो निकले किस वजह से हैं? क्योंकि आपने इतना ज़्यादा प्रेयर किया होगा सब लोगों ने, अरमान जी निकल जाए। अब तो आप लोगों को खुशी मिल गई होगी वो शो से बाहर आ गए, अब हिट फैलाना बंद कर दो ठीक है? क्योंकि जब तक वो शो में थे तब तक आपने बहुत हिट थी, अब मत देना। और एक कमेंट था जिसको मुझे पढ़ना था आप लोगों के, कमेंट है देसी गर्ल गैलेक्सी का, पायल जी इफ यू गेट चांस टू सी देन द क्लियर करना कि जो सॉन्ग है वो प्रोफेशनल है, इट डजंट मीन कृतिका इज अवेलेबल टू कमेंट इन रियलिटी शो इन बैड वे। अगर कोई लड़की इंडस्ट्री में काम करती है तो इज डजंट मीन दैट शी अवेलेबल फॉर एवरीवन बैड इंटेंट कमेंट और टू गाइज जस्ट स्ट्रेस हर प्रोफेशनल एंड रियल लाइफ का फर्क नहीं है मुनावर को। मतलब मुनावर ने ऐसी बात वहां पे बोली जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के पास ना गोलू के लिए गंदे कॉल्स जा रहे हैं। वहां पे इतनी सारी वीडियो शूट्स होती हैं जिसमें रशियन लड़कियां भी होती हैं, बाहर की लड़कियां होती हैं, वो बिकनी पहन के शूट कर रही होती है। अगर गोलू ने जिम के कपड़ों में शूट किया है तो उसको इतना ट्रॉल किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? जितनी बड़ी बड़ी एथलीट है वो भी जिम के कपड़े पहनती हैं, तो ये इसका कोई गलत मतलब तो नहीं है कि गाने में भीड़े भीड़े सूट के गाने की बात हो रही थी, भीड़े भीड़े सूट में उसने जिम के कपड़े पहने हुए थे। तो बहुत सारे बैड कॉल्स भी आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। और बस इसको क्लियर इसलिए करना था क्योंकि मुझे बोला गया कि इसको क्लियर करो, वो एक प्रोफेशनल शूट है, इसका मतलब ये नहीं है कि गोलू जो है आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी है, बस यही बोलना था। नेक्स्ट कमेंट है सुखजीवन का, वो लिख रहे हैं मीडिया का कोई हक नहीं था अरमान की लाइफ में घुसने का, उनको अच्छे पैसे मिले, सिर्फ अरमान की पर्सनल लाइफ पे ही टॉपिक था सबका, जो वो अपनी लाइफ में खुश है लोगों को क्या, मलिक फैमिली को जीने दो। ये बात बिल्कुल ठीक है, अरमान से जितने क्वेश्चन हुए ना उतने शायद वहाँ बाकी कंटेस्टेंट से नहीं हुए, जो हमारी लाइफ के बारे में ऑलरेडी दुनिया जानती है उसी टॉपिक पे बात करी उन लोगों ने। अगर बिग बॉस के हाउस के टॉपिक पे बात करते तो शायद मुझे अच्छा लगता। नेक्स्ट कमेंट है देविल साडेड गेमर का, पायल बिटिया बी पॉजिटिव एंड बी नॉर्मल, डोंट जस्टिफाई बिकॉज नो बडी लिसनिंग दिस टाइम, सो इग्नोर नेगेटिव कमेंट, बिजी विद योर क्यूटेस्ट किड्स एंड नाउ गॉड इज टेकिंग योर एग्जाम एंड वन डे यू विल पास इन योर एग्जाम, सो बिलीव इन योर गॉड, नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर गिव यू। अरमान मलिक बाहर हो गए एंड रियली आई एम वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि अति कर रखा था बंदे ने, उतार दिया गंदा बच्चा अनु। गाइस रात को ना अनु बहुत ज्यादा रोया, 2 घंटे होता रहा क्योंकि इसकी ना तबीयत खराब है, आज इसको फीवर हो रहा है सुबह से और इसको कोल्ड भी हो रहा है, तो अभी हमने इसको पैरासिटामोल दी है, अभी 4 घंटे बाद दोबारा देंगे, अभी तो इसका बुखार उतर गया, तो दोबारा से फिर देंगी आपको मेडिसिन। तो अच्छा मैं गाइस बाहर गई थोड़ी देर के लिए कुछ काम से, मतलब इस रूम से बाहर गई थी, तो ये लड़के ने कैमरा उठाया आंटी का, जैसे तुम लोग कैमरा उठा के घूमते हो ना ऐसे ऐसे करके ऐसे घूम रहा था। ब्लॉगिंग करनी आपको, जब आपका टाइम आएगा ना तब ब्लॉगिंग करना, मैं कर रही हूँ ना, ले पकड़ ले। हेलो करो सबको, हेलो गाइस मैं हूँ अनु, बोलो आज गाइस कैसे हो सब। अच्छा गाइस को सुना दे, ए फॉर एलिफेंट, बोलो एलिफेंट, एलिफेंट, फिश, मंकी, और क्या बोलिए, मैंगो, गुस्सा हो गया मेरे से, देख लो तू मुझे कैमरा नहीं दिखा रही, को खेल ले तूबा, ये देख लो गाइस तूबा झाड़ू मार रही है, यहाँ पे सफाई कर रही है सुबह उठ के, और नहा धो के रेडी हो चुकी नई फ्रॉक पहन के, पर इसको सफाई करनी पूरे घर की, मुझे पूरा घर ना क्लीन चाहिए, तो कह मैं खुद से सफाई करूंगी। तूबा बात ही नहीं कर रही हूँ, ए तूबा इतने जने झाड़ू मारने वाले हैं, हैं तू झाड़ू मारना था बस। आंटी डाउन टू अर्थ है ये, मम्मी की तरह बनना चाहती है। तूबा तू भी शैतान हो गई इनकी जैसी, आंटी ये बैठी इतनी सी लगती चुटकली सी, हाँ छोटी लगती है, इसकी गर्दन दिखती टिड्डी है, टिड्डी इसकी गर्दन छोटी है, गर्दन दिखती है, हाँ ये गर्दन। तू तेरा फेस कब बड़ा होगा, देख रहा हूँ बोल इसको, इसको आज मेरे पास आना है, अच्छा तबियत नहीं ना ठीक है इसकी, जरूर मम्मी देख नहीं रही है तो मासी देख रही है इसको, है ना अनु, मासी देख रही है आपको, अंजु ओ मैं लव यू टू, अंजु यहाँ बैठ, ठीक है यहाँ बैठ जो मेरे पास, जू 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 जैद अनु। अब जनता से अपील है इन लोग का ब्लॉग देखना बंद करें, क्योंकि घर में और हर जगह इतनी गंदगी फैल जाएगी ना कि जीना दुश्वार हो जाएगा। आपने देखा होगा कि मीडिया के भी सवाल भी ऐसे ही थे। अच्छा बोलो फिर तूबा दाबोनी, तूबा दीदी, दीदी दादी, दादी नानी, मामा,
पापा पापा भाई भाई बोलो बेटा भाई हाँ और बोलो मासी चाची नैना के जितने दीवाने हैं तीनों ये नैना को नहीं बोलते नैना इतने बाद आई थी हमारे पास काम करने के लिए तो नैना को देख के एकदम से याद आ गया कि हमारे साथ थी पहले नैना गिर गया भाई जी गद्दे इतने हमारे वो है ना फायदेमंद है हमारे लिए बच्चे कैसे भी गिरे उल्टे बुलटे सीधे इनको चोट नहीं लगती हाँ जी बेटा थैंक यू ये देख लो बॉटल के ऊपर चढ़ के खड़ा हो रहा है इधर अजय सोने काके तूबा कहाँ गई तूबा कहाँ है जा ए फोर तो ऐसे तूबा ना अपनी फोटो देख रही है स्क्रीन में तूबा ए फोर बेटा इसको भी कैमरा पकड़ना बताओ अच्छा ए फोर सुनाओ पहले लो ले पकड़ ले तो इसको भी कैमरा पकड़ना है आज ये बहुत जल्दी अपना कैमरा हैंडल करने शुरू कर देंगे देख देख तोड़े ठीक है उसको इसने मेरे कम से कम दो तीन लॉकर तोड़ दिए अब इसकी पीछे पीछे पड़ी हुई है मैं नहीं दूंगी तुम्हें तू भी तुम सारी चीजें तोड़ देते हो मुंह छोटा सा देखो ये मेरा हाथ बड़ा है इसके मुंह से टकली आज टकली गाइस मेरे पलके पार रही है शाबाश तू बोटी निकाल ले आंख की जो डेल्ला है ना वो बाहर निकाल ले खाएगा क्या तू देखो वाली गोटी फिर को देख रहा हूँ मैं जा रहा हूँ ज्यादा जा रही हूँ मैं बाय ना जाओ बाय बाय जय बाय हेलो तेरा जॉब भी हो मत आइयो मत मेरे पीछे आइयो मत 1% भी नहीं आ रहा हमारा लड़का तू बा रही है तू बा रो रही है तो गाइस मैं और मम्मी जा रहे हैं मार्केट कुछ काम से घर का सामान खत्म हो रखा है सब्जी खत्म हो रखी है और कुछ बर्तन लेके आने बच्चों की चादरें हैं जो हमने बनवाती हैं स्पेशल बच्चों की पैरोमीज के लिए जो उनकी गद्दे भरे हैं तो उनके लिए बेस्ट स्पेशल बेडशीट्स मतलब वो लेने जा रहे हैं और कुछ बच्चों का खाने पीने का सामान भी लेके आना है बस वो लेके आ रहा हूं तो गाइस मेरे साथ क्या भुपट हो गया ये हमारी लिफ्ट मेरे वाली खराब है 3-4 बंद की बननी हुई तो मैंने सोचा कि मैं एक बार लिफ्ट बुला लेती हूँ मम्मी अंदर आप रोक के रखो दूसरी लिफ्ट तो इतने में मैं ये लिफ्ट बुलाई और वो लिफ्ट बंद हो गई मम्मी चली गई तो अभी हम सबसे पहले जाएंगे बर्तन लेने ठीक है मम्मी फिर उसके बाद बाकी काम करते हैं हाँ एक एक करके करते हैं तो भाई जिस शॉप में हमारे बर्तन लेने वहाँ पे लाइट नहीं है सूरज भी लाइट दे रहे मेरे को तो जो भी बर्तन लूंगी मैं घर जाके दिखाऊंगी आपको दीदी के सामने दीदी देख लेंगे और आप भी देख लोगे साथ में बारिश होने की वजह से ना गाइस इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी ना तो अंदर खड़ा जा रहा था तो शॉप के अंदर ओ इसको दे के टपक रही है इसको दवाई दे रही यार मैं देती हूँ तो भाई ये मेरे घर से आया है मेरे घर से मुझे सावन में कोथली आती है नहीं वॉश कर मैं सोच रही हूँ एक दो जोड़ी पैंट रख लेती हूँ ये तो मुझे आएगी गोलू की कैजुअल से कपड़े रख लो दीदी गोलू की है कपड़े ही नहीं है क्या ये शर्ट पहनो अच्छी लगती है फॉर्मल शर्ट ले रही हूँ ब्लू के साथ व्हाइट पहन लेना इसके साथ कोई और पैंट निकाल दो ब्लैक पैंट ले लो पर्पल ये तो मुझे आएगी आपके जो बेल बॉटम वाली है ना निक्की वाली वो निकालो ब्लैक बर्तन देख लो ज्यादा 24 नहीं लाए हमारे पास इतने बर्तन होते इसमें सामान ही नहीं मिलता और सेम ही मतलब जो इनका पैटर्न है सेम ही वही लेके 12 एक बार को जो इतने फ्लोर में ऊपर नीचे बच्चे रहते हैं सारे कोई भी आता लेके चले जाता है हाँ नीचे से वापस आता नहीं है ग्रुप में मैसेज डाल दो कोई भी सामान लेना ऊपर से अपना बर्तन लेके आओ यही करूंगी इससे पड़ोस में अगर बर्तन लेके आते ना तब दे दो 12 बड़ी 12 छोटी मैं दही के लिए इतनी बड़ी बड़ी क्या जरूरत पड़ी है नहीं तो ज्यादा बात है तो बोलो पॉलिथीन में अपने लेके जाओ जो भी लेके जाना है पॉलिथीन में लेके तो गाइज मैं तो बहुत खुश हूँ कि अरमान जी बाहर आ गए और आप लोग भी बहुत ज्यादा खुश होंगे शायद आप सब आज मिठाई बांटेंगे अपने अपने घर में पर मैं इसलिए खुश हूँ कि इतनी हिट मिलने के बाद भी उस इंसान को उस घर में रहना ही नहीं चाहिए था सही हुआ वो निकल गए और वो निकले किस वजह से क्योंकि आपने इतना ज्यादा प्रेयर किया होगा सब लोगों ने अरमान जी निकल जाए अब तो आप लोगों को खुशी मिल गई होगी वो शो से बाहर आ गए अब हेट फैलाना बंद कर दो ठीक है क्योंकि जब तक वो शो में थे तब तक आपने बहुत हेट थी अब मत देना और एक कमेंट था जिसको मुझे पढ़ना था आप लोगों के सामने कमेंट है देसी गर्ल गैलेक्सी का पायल जी इफ यू गेट चांस टू सी देन द क्लियर करना कि जो सॉन्ग है वो प्रोफेशनल है इट डजंट मीन कृतिका इज अवेलेबल टू कमेंट इन रियलिटी शो इन बैड वे अगर कोई लड़की इंडस्ट्री में काम करती है तो इज डजंट मीन दैट शी अवेलेबल फॉर एवरी वन बैड इंटेंट कमेंट और टू गाइज जस्ट
स्ट्रेस हर प्रोफेशनल एंड रियल लाइफ का फर्क नहीं है मुनावर को। मतलब मुनावर ने ऐसी बात वहाँ पे बोली जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के पास ना गोलू के लिए गंदे गंदे कॉल्स जा रहे हैं। वहाँ पे इतनी सारी वीडियो शूट्स होती हैं जिसमें रशियन लड़कियां भी होती हैं, बाहर की लड़कियां होती हैं, वो बिकनी पहन के शूट कर रही होती है। अगर गोलू ने जिम के कपड़ों में शूट किया है तो उसको इतना ट्रॉल किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? जितनी बड़ी बड़ी एथलीट है वो भी जिम के कपड़े पहनती हैं, तो ये इसका कोई गलत मतलब तो नहीं है कि गाने में भीड़े भीड़े सूट के गाने की बात हो रही थी, भीड़े भीड़े सूट में उसने जिम के कपड़े पहने हुए थे। तो बहुत सारे बैड कॉल्स भी आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। और बस इसको क्लियर इसलिए करना था क्योंकि मुझे बोला गया कि इसको क्लियर करो, वो एक प्रोफेशनल शूट है, इसका मतलब ये नहीं है कि गोलू जो है आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी है, बस यही बोलना था। वो नेक्स्ट कमेंट है सुखजीवन का, वो लिख रहे हैं मीडिया का कोई हक नहीं था अरमान की लाइफ में घुसने का, उनको अच्छे पैसे मिले, सिर्फ अरमान की पर्सनल लाइफ पे ही टॉपिक था सबका, जो वो अपनी लाइफ में खुश है लोगों को क्या, मलिक फैमिली को जीने दो। ये बात बिल्कुल ठीक है, अरमान से जितने क्वेश्चन हुए ना उतने शायद वहाँ बाकी कंटेस्टेंट से नहीं हुआ, जो हमारी लाइफ के बारे में ऑलरेडी दुनिया जानती है उसी टॉपिक पे बात करी उन लोगों ने। अगर बिग बॉस के हाउस के टॉपिक पे बात करते ना तो शायद मुझे अच्छा लगता। नेक्स्ट कमेंट है डेविल साडेड गेमर का, पायल बिटिया बी पॉजिटिव एंड बी नॉर्मल, डोंट जस्टिफाई बिकॉज नो बडी लिशन दिस टाइम, सो इग्नोर नेगेटिव कमेंट, बिजी विद योर क्यूटेस्ट किड्स एंड नाउ गॉड इज टेकिंग योर एग्जाम एंड वन डे यू विल पास इन योर एग्जाम, सो बिलीव इन योर गॉड, नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टाइम टू टाइम फॉर गिव यू। पागल बना के पैसे कमा रहे और कुछ नहीं, इनको करिए बायकॉट और आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, ताकि ऐसे लोगों की परछाई तक ना पड़े आपके घर में, वरना पता चला आपके घर में भी ऐसे माहौल हो जाएगा।